हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती के चौहानों के बारे में। तो चौहानों की एक शाखा जो कि इस क्षेत्र में भी आकर बसी थी, हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे कोटा के हाड़ा चौहान, लेकिन थोड़ा सा हम बूंदी के चौहान शासकों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? और फिर हम कोटा के हाड़ा चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बूंदी के हाड़ा चौहान जो थे, यहाँ पर जो संस्थापक हैं, माना जाता है देव सिंह हाड़ा को, जिनको हम राव देवा के नाम से भी जानते हैं। तो मेवाड़ के अधीन जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो है ठिकानेदार थे ये, ठीक है? तो इन्होंने जो है जैता मीणा को हराया और 1241 ईस्वी में बूंदी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखेंगे बूंदी के चौहान के बारे में, कि बूंदी का हाड़ा चौहान वंश की नींव जो है वो देव सिंह हाड़ा ने रखी थी। 1241 में इन्होंने जो है वो बूंदी को अपनी राजधानी बनाया था। देव सिंह के बाद इनका जो पुत्र था समर सिंह, तो समर सिंह का जो बेटा था जैत्र सिंह, इसने 1264 ईस्वी में कोटिया भील को पराजित करके कोटा पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है? और कोटा के किले का निर्माण जो है वो जैत्र सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैत्र सिंह का जो पुत्र आता है राव बर सिंह, तो राव बर सिंह जो है 1354 ईस्वी में, ये वही बरसिंह है जो कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है, ठीक है? एक तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है, जिसको अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये जो तारागढ़ है जो कि बूंदी में है, इसका निर्माण राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके बेटे हैं ये? जैत्र सिंह के बेटे हैं, ठीक है? राव बरसिंह के बाद इनका जो बेटा आता है उसका नाम था हमीर, ठीक है? और इनके समय में एक खास बात क्या हुई थी कि मेवाड़ के जो राणा लाखा थे, इन्होंने प्रयास किया था बूंदी को जीतने का, लेकिन बूंदी को ये नहीं जीत पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, मिट्टी का जो है एक नकली दुर्ग बनवाया जो कि बूंदी किले की तरह दिखता था, और इस किले को बनवा कर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है वो बूंदी के किले को जीतूंगा, लेकिन नहीं जीत पाए। तो नकली दुर्ग जो है इन्होंने मिट्टी का बनवा कर जो है अपनी जो है प्रतिज्ञा पूरी की थी। हमीर के बाद जो शासक हैं बूंदी के, वह हैं राव बैरीसाल। तो ये आप जो हैं वो अच्छे से थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। ये राव बैरीसाल जो हैं, इनके समय में महमूद खिलजी जो है वो आक्रमण करता है बूंदी पर, इतना ही ध्यान रखें। फिर राव सुरजन आते हैं, ठीक है? राव सुरजन के बाद में राव रतन आते हैं, राव रतन के बाद में राव अनिरुद्ध आते हैं। इनके समय में बूंदी में जो है वो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है, और ये राव शत्रुशाल की छतरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? राव अनिरुद्ध के बाद शासक जो हैं, बस आपको नाम नाम याद रखना है, बुद्ध सिंह है बूंदी के शासक। बुद्ध सिंह के बाद जो हैं वो विष्णु सिंह आएंगे। विष्णु सिंह के बाद जो हैं वो अंतिम शासक जो होंगे बूंदी के, वह आएंगे महाराव राम सिंह, ठीक है? ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से देखिए, सुन लें आप यहाँ पर, कि बूंदी जो है यहाँ पर हाड़ा चौहान वंश की नींव जो है वो देव सिंह के द्वारा जो है रखी जाती है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, राव देवा कह रहे हैं, ठीक है? ये जो है 1241 ईस्वी में राजधानी बनाते हैं बूंदी को। इनका बेटा समर सिंह, इनके बारे में कुछ भी लाइन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। समर सिंह का बेटा जो जैत्र सिंह था, 1264 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसने कोटिया भील को पराजित करके कोटा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है? और कोटा के किले का निर्माण जो है करवाया था। फिर आते हैं राव बर सिंह, तो राव बर सिंह के द्वारा जो है बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माण करवाया गया था, याद रखना है। मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई थी, अजमेर में भी तारागढ़ है और बूंदी में भी तारागढ़ है। फिर राव बर सिंह के बाद जो शासक हैं उनका नाम है राव बर, क्या नाम है, हमीर, ठीक है? हमीर जो हैं, इनके समय में जो है राणा लाखा की बात याद रखनी है, कि राणा लाखा जो है बूंदी को जीतना चाहते थे लेकिन नहीं जीत पाए। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने नकली मिट्टी का दुर्ग बनवाया और संतुष्टि प्राप्त की, ठीक है? क्योंकि वो नहीं जीत पाए थे। फिर राव बैरी साल आए थे,
राव बैरीसाल के बाद राव सुरजन, राव रतन सिंह, राव अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने जो है बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी, याद रखना है। राव शत्रुसाल की छतरी कहते हैं इसको। और उसके बाद बुद्ध सिंह है, विष्णु सिंह है, अंतिम जो बूंदी के शासक हैं वो राम सिंह हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोटा के हाड़ा चौहान के बारे में। अग्निकुल के वंशज कहे जाते हैं ये। कोटा पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोटिया भील का अधिकार था, और इन कोटिया भील को जो है वो किसने हराया था? जैत्र सिंह ने हराया था और कोटा के किले का निर्माण करवाया था। जैत्र सिंह कौन था? ये था समर सिंह का बेटा, देवी सिंह हाड़ा का पोता था। ठीक है, 1274 ईस्वी में कोटिया भील को हरा कर बूंदी राज्य में मिला लिया। यहाँ पर देखिए दो डेट आती हैं, 1264 भी आती है, 1274 भी आती है। ठीक है, तो एग्जाम में एक ही डेट आएगी, ऐसा तो नहीं आ सकता कि 1264 भी आए 1274 भी आए। ठीक है, तो 1274 में कोटिया भील को हराकर बूंदी राज्य में इसने मिला लिया था। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने कोटा को क्या किया? बूंदी से अलग कर दिया, और बूंदी के राव रतन सिंह जो थे, बूंदी के राव रतन सिंह जो कि राव सुरजन के बाद आते हैं, रतन सिंह के बेटे माधव सिंह को कोटा का शासक बनाया था। तो इसीलिए मैंने आपको बूंदी के जो हाड़ा चौहान शासक थे उनके बारे में पहले बताया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बूंदी से ही अलग होकर जो है कोटा में चौहान वंश की नींव रखी गई। तो शाहजहां के प्रयास से जो है कोटा को बूंदी से अलग करके बूंदी के राव रतन सिंह का जो बेटा था माधव सिंह, इसे कोटा का शासक बनाया गया। तो पहला शासक कौन है बूंदी का? माधव सिंह। 1631 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक का इसका जो है शासन का समय रहा है। जन्म इसका बूंदी में ही होता है, पिता इसके रतन सिंह हैं और माता कौन है? बाल तोत के ठाकुर की बेटी। ठीक है, कोटा रियासत के जो प्रथम शासक हैं माधव सिंह बने। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में कहाँ हो गई थी? कोटा में हो गई थी। याद क्या रखना है माधव सिंह के बारे में कि सबसे पहले शासक बूंदी के कौन है? माधव सिंह है। किसके प्रयासों से बूंदी राज्य स्थापित किया? शाहजहां के प्रयासों से। नेक्स्ट देखिए राव मुकुंद सिंह हाड़ा, 1648 से 1658 ईस्वी का शासन का समय है। थोड़ा सा माइंड में रखें ये, क्योंकि देखिए डेट जो है ये तो आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, सीक्वेंस पूछ लेता है कौन से शासक के बाद कौन सा शासक आएगा। राव मुकुंद सिंह हाड़ा जो हैं ये माधव सिंह के ही बेटे हैं, माता इनकी बागमती थी। और ये जो है धर्मत का जो युद्ध होता है, मुगल उत्तराधिकार जो युद्ध होता है, इसमें जो है शाही सेना की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध जो है लड़ते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, अपनी प्रेमिका जो है अमली मीठी के लिए इन्होंने कोटा में और मालवा की सीमा पर दर्रा अभयारण्य में महल बनाया। तो अमली मीठी का महल कहते हैं इसको। ठीक है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो अमली मीठी के लिए जो है कोटा और मालवा की सीमा पर दर्रा अभयारण्य में जो महल बनवाया, जिनको हम अमली मीठी के महल के नाम से जानते हैं, राजस्थान के दूसरे ताजमहल के नाम से जानते हैं, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा मुकुंद सिंह या राव मुकुंद। राव जगत सिंह जो कि राव मुकुंद सिंह हाड़ा के बेटे हैं, कोटा के शासक बने। ये 14 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे, बहुत छोटी उम्र में। इनकी मृत्यु जो है औरंगाबाद में होती है, जब इनको दक्षिण अभियान में भेजा जाता है। राव किशोर सिंह 1684 से 1696 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। राव किशोर सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? तो इन्होंने जो है अपने नाम से ही जो है किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया था? कोटा में। तो कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण जो है किसने करवाया था? कोटा के जो शासक थे राव किशोर सिंह, माधव सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। किशनगंज नामक जो है कस्बा भी बसाते हैं इनके समय में। 1689 में जैन व्यापारी बघेरवाल ने आदिनाथ का जैन मंदिर बनवाया था चांदखेड़ी में। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आप लोगों के लिए कि कोटा के ऐसे कौन से शासक थे जिनके समय में जैन व्यापारी बघेरवाल ने आदिनाथ का जो जैन मंदिर बनवाया था चांदखेड़ी में। तो वह थे राव किशोर सिंह, जिन्होंने कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। राव राम सिंह 1696 से 1707 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। इनके समय मुगल सम्राट कौन है? औरंगजेब है। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जो है आजम का ये साथ देते हैं। कौन देते हैं? राम सिंह देते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जाजू का युद्ध। तो जाजू का जो युद्ध है
इसमें राव राम सिंह जो हैं किसका साथ देते हैं, आजम का। जाजों का युद्ध 1707 ईस्वी में, इसी युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार नूराबाद में होता है इनका। राम सिंह ने अपनी तोपों से जो है वो शत्रुओं को भून कर रख दिया था, और इस कारण जो है इनको भड़ भुज्जिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ऐसी लाइनें ही एग्जामिनर जो पूछता है कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी कि भड़ भुज्जिया के नाम से जो है वह है कोटा के किस शासक को जानते हैं हम, तो भड़ भुज्जिया के नाम से जानते हैं राम सिंह को, ठीक है। और राम सिंह जो हैं वही राम सिंह हैं जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है आजम का साथ देते हैं उत्तराधिकार युद्ध में। इसके बाद जो है ये भी याद रखना है कि राम सिंह जो हैं इनको भड़ भुज्जिया क्यों कहा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तोपों से क्या किया था, भून दिया था शत्रुओं को, भून कर रख दिया था। राम सिंह ने कोटा में देखिए रामपुरा बाजार, रामपुरा दरवाजा, रामपुरा का कोट, रावठा का तालाब, इसका निर्माण करवाया। और राम सिंह के समय कोटा शहर के परकोटे का निर्माण जो है प्रारंभ किया गया था। यानी कोटा शहर का परकोटा यानी कि किनारे पर चारों ओर की जो दीवार होती है सुरक्षित करने के लिए उसको, तो कोटा शहर के परकोटे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राम सिंह ने करवाया था। और कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, जैत्र सिंह ने करवाया था, ठीक है। जैत्र सिंह कौन थे? तो टिप्स पर ये चीजें याद होनी चाहिए। जैत्र सिंह समर सिंह के बेटे थे, बूंदी के शासक। महाराव भीम सिंह 1707 ईस्वी से 1720 ईस्वी का शासन का समय रहा है। इनके पिता का नाम था राम सिंह, ठीक है। कौन राम सिंह? जिनको भड़ भुज्जिया कहा जाता है। कोटा राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक हुए हैं राम सिंह। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इनको महाराव की उपाधि प्रदान की थी, और भीम सिंह ने कोटा रियासत में एक स्वतंत्र टकसाल भी बनवाई थी। बुद्ध सिंह जो बूंदी के शासक थे, इनको इन्होंने 2 बार हराया था, ये आपको याद रखना है। बुद्ध सिंह कौन है? जो हमने राव अनिरुद्ध देखे थे, अनिरुद्ध जिन्होंने बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो शासक आए थे महाराव बुद्ध सिंह, तो उन बुद्ध सिंह को जो है 2 बार इन्होंने हराया था। बूंदी से धूलवाणी और कड़क बिजली नामक जो है ये कोटा भी लेकर आए थे। इन्होंने जो है अपना गुरु बनाया था गुसाई जी को, और इनसे जो है दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम भीम सिंह से बदल कर जो है वो कृष्णदास भी रख लिया था। भीम सिंह ने कोटा का नाम जो है नंदगांव और शेरगढ़ का नाम जो है वो बरसाना कर दिया था। खुद का नाम तो बदला ही, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने कोटा का भी नाम बदल दिया, नंदगांव रख दिया, और शेरगढ़ का नाम भी बरसाना रख दिया था। करवर के ठाकुर सालम सिंह ने कोटा पर आक्रमण किया, और भीम सिंह ने वैराग्य छोड़कर दोबारा से युद्ध कर लिया। तो ये जो है गुसाई जी से जब प्रभावित हुए थे तो ये जो है धार्मिक कार्यों में इनका मन अधिक लग गया था, तो युद्ध जैसी चीजों को ये भूल गए थे, उसको छोड़ गए थे, ठीक है, उसको छोड़ दिया था। लेकिन करवर के ठाकुर सालिम सिंह ने जब कोटा पर आक्रमण किया था तो इन्होंने दोबारा से हथियार उठा लिए और वैराग्य का जो रास्ता था छोड़ दिया। दोबारा से युद्ध इन्होंने प्रारंभ किया, और बुरहानपुर में भीम सिंह की जो है लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह के द्वारा भीम विलास महल, श्री ब्रजनाथ जी का मंदिर, आशापुरा का मंदिर, भीमगढ़ का किला आदि का निर्माण करवाया था। तो ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भीम सिंह के नाम पर ही भीम विलास महल रखवाया। ब्रजनाथ जी तो कृष्ण भगवान के जो है ये भक्त हो गए थे, तो श्री ब्रजनाथ जी का मंदिर बनवाया, आशापुरा का मंदिर बनवाया, और भीमगढ़ इसके किले का निर्माण भी करवाया था। भीम सिंह के बाद देखिए महाराव अर्जुन सिंह, तो इनके शासन का समय 1720 से 1723 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा नाम याद रखना, दुर्जन सिंह हाड़ा। दुर्जन सिंह हाड़ा 1723 से 1756 ईस्वी अर्जुन सिंह के ये भाई थे। 1738 ईस्वी में कोटा राज्य पर जो है वो मराठों का आतंक इस वक्त छाया हुआ था। दुर्जन सिंह ने 1741 ईस्वी में नाथद्वारा में धर्म महोत्सव का आयोजन करवाया। दुर्जन सिंह हाड़ा की रानी थी ब्रज कुंवर। इन्होंने कोटा में स्थित किशोर सागर तालाब के बीच में उदयपुर की पिछोला जो झील है इसमें स्थित लेक पैलेस की तर्ज पर ही एक जग मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ब्रज विलास महल का निर्माण भी जो है इनके द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन इतना डीप में जाकर जो है अभी तक तो एग्जामिनर ने इनके बारे में नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखें,
अजीत सिंह 1756 से 1758 ईस्वी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बताती हूँ, स्टार लगा देती हूँ, याद रखें इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, यहाँ तक कि उसके बारे में क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ। तो दुर्जन साल के ही भाई हैं अजीत सिंह। मराठों के लगाए भारी कर को चुकाने के भय से 18 माह के बाद 1758 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अजीत सिंह किसके भाई हैं? दुर्जन साल के भाई हैं, इतना याद रखें। नेक्स्ट देखो, शत्रुशाल हाड़ा। 1758 से 1764 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। यहाँ जो है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। देखिए, ये इनके जो फौजदार थे उस समय, कोटा के जो उस समय फौजदार थे उनका नाम था जालिम सिंह। ये जालिम सिंह जो हैं इनका रोल इस तरीके से रहा है जैसा कि हमने दुर्गादास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पूरा जीवन इन्होंने समर्पण कर दिया था राज्य के लिए, उसी तरीके से फौजदार जालिम सिंह जो हैं इनका कार्य रहा है। तो कोटा के लिए जो है इन्होंने अपने पूरा जीवन दांव पे लगाया। तो कोटा के शत्रुशाल हाड़ा और कोटा के फौजदार जालिम सिंह जो हैं इनका युद्ध होता है जयपुर के सवाई माधव सिंह के साथ 1761 ईस्वी में, जिसको हम भटवाड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध में जो है शत्रुशाल हाड़ा जो है वो विजयी हुए थे। किसके सहायता से? जालिम सिंह की सहायता से हुए थे। ठीक है, सवाई माधव सिंह को जो है इन्होंने पराजित किया था 1658 ईस्वी में। इसी वजह से कोटा का जो है फौजदार या दीवान जो है जालिम सिंह को बनाया गया था। जालिम सिंह ने मराठों और पिंडारियों से मित्रता करके जो है कोटा की रक्षा की, और जालिम सिंह को इसीलिए कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। तो इनका नाम हमें आगे भी सुनने को मिलेगा। महाराव गुमान सिंह चौहान, 1764 से 1770 इनका समय है। इसने क्या किया कि जो जालिम सिंह था इसको कोटा से निकलवा दिया। इसको ये पसंद नहीं आया तो इसने इसको निकाल दिया, और ये जालिम सिंह जो है बिना शिकायत किए उदयपुर चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। कुछ समय बाद जो है जब यहाँ पर गुमान सिंह को लगता है कि शासन जो है वो सही से नहीं चल पा रहा है और कोटा राज्य को जो है वो ज़रूरत है जालिम सिंह की, तो दोबारा से जो है कोटा की रक्षा के लिए इसको दोबारा बुलवा लिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल रहा है जालिम सिंह का। महाराव उम्मेद सिंह चौहान 1770 से 1819 ईस्वी तक का समय रहा। 1805 ईस्वी में कैप्टन मोनसून के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को झाला जालिम सिंह ने क्या किया था? घुसने नहीं दिया था। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया था तो जालिम सिंह ने जो है यहाँ पर इनको घुसने नहीं दिया था। मार्च 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से जो है जालिम सिंह ने क्या की? संधि कर ली। लेकिन जालिम सिंह जो कि कोटा के लिए मर मिटने को भी तैयार रहते थे, संधि तो कर ली लेकिन इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर दो शर्तें रखी थी। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि 1818 की जो संधि होती है तो कोटा के किस शासक के द्वारा अंग्रेजों से संधि की जाती है? तो उम्मेद सिंह चौहान के द्वारा की जाती है जालिम सिंह के सहायता से। तो यहाँ दो शर्त क्या रखी थी जालिम सिंह ने? एक तो रखी थी कि झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारी जो होंगे वो कोटा के पूर्ण अधिकार युक्त राज्य मंत्री होंगे। दूसरी रखी कि महाराव उम्मेद सिंह और उनके उत्तराधिकारी कोटा के राजा माने जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है दो शर्तें रखी थी। महाराव किशोर सिंह सेकंड, तो इनका समय जो रहा है 1819 से 1827 ईस्वी का। इनके समय भी फौजदार और दीवान जो है जालिम सिंह रहे थे। अब जो है कोटा किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अधीनता जो 1818 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है स्वीकार ली थी, लेकिन शर्त के मुताबिक जो है अभी भी दीवान कौन है? जालिम सिंह है। कुछ समय बाद जालिम सिंह ने कोटा का जो फौजदार है वो अपने बेटे झाला माधव सिंह को नियुक्त किया और स्वयं जो है वो कहाँ चले गए? पाटन चले गए। और जालिम सिंह जो है इसके जाते ही किशोर सिंह सेकंड जो है वो अंग्रेजी सरकार के सामने कमजोर पड़ गए और इनकी मृत्यु जो है वो 1827 ईस्वी को हो गई। झाला जालिम सिंह की जो मृत्यु है वह 1823 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, पाटन जाने के बाद जो है जालिम सिंह की मृत्यु हो गई और यहाँ पर कोटा में जो शासक थे किशोर सिंह सेकंड ये भी कमजोर पड़ गए और अंग्रेजी सरकार जो है उनका आधिपत्य यहाँ पर अधिक हो गया। अंतिम शासक हैं कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड।
ये राव सिंह नहीं है, राम सिंह है। नोट्स में मैं सही कर दूंगी। अंतिम शासक कोटा के कौन है? महाराव राम सिंह सेकंड। 1827 से 1865 ईस्वी शासन का समय रहा। कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड और अब जो नया फौजदार था झाला मदन, इसके बीच में हो जाती है अनबन। अब कंपनी सरकार जो थी, इसका तो काम ही ये था कि शासक जो हैं आपस में ही जो है वो लड़ जाएं, उनके यहाँ जो अपने आप जो है शक्ति कमजोर पड़ जाए और हम जो है यहाँ पर एंट्री कर लें। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर भी कर लिया। झाला मदन सिंह की अनबन हो जाती है राम सिंह सेकंड के साथ और कंपनी सरकार जो है वो कोटा से 17 परगने अलग कर देती है। तो शक्ति तो वैसे ही कमजोर पड़ गई और ये परगने जो है वो अलग करके झाला मदन सिंह को दे दिए जाते हैं। 1838 ईस्वी में एक नई रियासत झालावाड़ का गठन करने का आदेश कंपनी सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और इस झालावाड़ की राजधानी जो है वो झालरा पाटन को बनाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम और नई रियासत बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम व नई रियासत कौन सी थी? तो वह झालावाड़ थी, स्वतंत्र रियासत थी। इससे पहले 1817 में जो बनी थी वह थी टोंक। महाराव राम सिंह सेकंड के समय 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। राम सिंह सेकंड बहुत कमजोर पड़ गए थे, अब इनको अंग्रेजों के ही अधीन होना पड़ा। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। तो इस तरीके से हमने हाड़ौती के चौहान जो हैं, बूंदी के चौहान पढ़े और कोटा के चौहान पढ़े। तो बूंदी के चौहान के बारे में मैंने आपको बताया कि बूंदी के हाड़ा वंश का जो संस्थापक था देव सिंह हाड़ा, इसके द्वारा जो है बूंदी को जो है अपनी राजधानी बनाया जाता है, बूंदी राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, बूंदी से अलग होकर जो है कोटा किले का निर्माण जैत्र सिंह करता है और यहाँ पर कोटा में शाहजहाँ की सहायता से माधव सिंह को बिठाया जाता है। फिर हमने जो है बात की किसकी? झालावाड़ की। तो झालावाड़ कैसे रियासत बनी ये हमने देख लिया कि जालिम सिंह का जो बेटा था उसको 17 परगने जो है कोटा से अलग करके दे दिए जाते हैं अंग्रेजी सरकार के द्वारा और झालावाड़ रियासत की स्थापना होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बूंदी कोटा के बाद झालावाड़ के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिल्कुल सीक्वेंस में हर चीज़ अगर हम याद रखते हैं तो याद भी हो जाती है। ऐसे ही जो है पढ़ाई होती है कि एक कहानी समाप्त हुई और उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी स्टार्ट हो गई। तो ये जो लिंक है यदि हम नहीं तोड़ते हैं तो ये चीज़ हमें याद रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको अलग अलग करके पढ़ाती तो आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है वो गोल गोल हो जाती। ऐसे ही आपको पढ़ना है, पहले जो है बूंदी के हाड़ा चौहान, फिर कोटा के हाड़ा चौहान और उसके बाद झालावाड़ के हाड़ा वंश के शासक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।